नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। चौकीदार के घर बदमाशों का धावा, बुजुर्ग पत्नी को बंधक बना मुंह में कपड़ा ठूसा, मारपीट कर की लूटपाट, गहने और नकदी लेकर हुए फरार। बिजोला थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा का है मामला, पुलिस जुटी जाँच में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवा में नजर आने लगे वस्त्र नगरी भिलवाड़ा के बाजार, गली मोहल्लों में भी हो रही है दीपावली जैसी सजावट। सड़कों पर उतरी भिलवाड़ा पुलिस, अतिक्रमियों को दी चेतावनी की संदिग्धों की धरपकड़। हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों के भिलवाड़ा में 23 जनवरी से कटेंगे चालान। एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया चालकों के चालान काटने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 22 जनवरी तक पुलिस समझाइश करेगी और 23 जनवरी से चालान काटे जाएंगे। ट्रैफिक इंचार्ज राजपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभी सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हेलमेट पर जोर दिया है। सरकार का मानना है कि दोपहिया पर चलने वाले लोगों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने से मृत्यु ज्यादा हो रही है। इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक सप्ताह तक समझाइश का समय दिया है। अब 23 जनवरी से हेलमेट नहीं पहनने वालों के चालान कटेंगे। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा में अभी तक कोई भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में यहाँ हल्की दुर्घटना होने पर भी सिर में चोट लगने से चालक की मौत हो जाती है। उन्होंने आमजन से अपील की कि दोपहिया वाहन पर चलें तो हेलमेट पहने, दो से ज्यादा सवारी नहीं बैठाएं। इससे ज्यादा लोग दोपहिया पर बैठे मिले तो उनके भी चालान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब नो पार्किंग पर चौपहिया वाहन खड़े करने वालों के भी ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान काटने शुरू हो चुके हैं। ऐसे आज 3 वाहनों के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में चालान किए गए। चौपहिया वाहन चालक भी सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अभियान के तहत आज वाहनों के शीशों से काली फिल्में भी हटवाई गई। प्रहलाद तेली के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा अभी सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। तो इनके ज़्यादा इसमें राज्य सरकार ने जोर दिया कि जो टू व्हीलर हैं बिना हेलमेट का प्रयोग करते चलते हैं तो उससे मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो इस बार हमने एक सप्ताह तक ये समझाइश का किया है कि भाई आप हेलमेट पहने, और 23 तारीख से हम हेलमेट के चालान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भीलवाड़ा में कोई भी टू व्हीलर पर हेलमेट यूज़ नहीं करता है और जिसके कारण कहीं ना कहीं कोई हल्का सी दुर्घटना भी होती है तो सर में चोट लगने के कारण मृत्यु होती है उस चालक की। तो मेरा सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि आप टू व्हीलर पर चलें तो हेलमेट पहन के चलें, और दो सवारी से ज़्यादा नहीं बैठाएँ। ऊपर होते हैं शाम को 4-4 लोग, 3-3 लोग बैठते हैं तो उनका चालान करेंगे, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। अभी हमारी एक सप्ताह तक सभी को एक जागरूक कर रहे हैं, रोक के उनको कह रहे हैं कि आप हेलमेट पहनिए, और 23 तारीख से हम फिर चालान करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब हेलमेट पहने ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे। हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए पहना जाता है, और चालान इसलिए किया जा रहा है कि आप जब नियमों का पालन नहीं करोगे तो एक हमारे पास यही जरिया है कि आपके ऊपर जुर्माना लगा के और आपको हेलमेट पहनवाया जाएगा। हालांकि ओवर स्पीड के उनके ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, जैसे ये नो पार्किंग के हैं तो वहाँ ऑनलाइन चालान कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी नो पार्किंग पर फोर व्हीलर खड़ी कर देते हैं जिससे अव्यवस्था हो रही हो तो हम ऑनलाइन चालान कर रहे हैं, ताकि फिर वो फोर व्हीलर वाला जब भी अपना इंश्योरेंस या कुछ गाड़ी का करेगा तो उसको पहले वो चालान भरना पड़ेगा। तो ऑनलाइन चालान भी हम ये प्रक्रिया कर दी है। ये सब कार्रवाई केवल माह तक ही है या इसके बाद भी चलेगी? नहीं, ये कंटिन्यू चलिए, नियम है, ये राज्य सरकार के केंद्र सरकार के नियम है जिनको फॉलो करना है। आप टू व्हीलर पर चलोगे तो आपको हेलमेट पहनना है, फोर व्हीलर पर आप चलते हो तो सीट बेल्ट लगाओ, काली फिल्म का यूज़ नहीं करो गाड़ियों में, और 3 सीटर मोटरसाइकिल पर नहीं बैठो। जो भी नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वस्त्र नगरी में दीपावली जैसी सजावट शुरू हो गई है। शहर के छोटे बड़े सभी मंदिरों में विशेष तैयारी हो रही है। शहर के बाजार, तिराए चौराहे और दुकानें सजने लगी है। झंडे, दिए, बिजली की लड़ियों की दुकानों पर हर कोई खरीदारी के लिए उत्साहित है। शहर के झंडा व्यापारी राम नारायण टेलर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व्यवसायी नारायण शर्मा ने कहा कि दिसंबर जनवरी इस लिहाज से थोड़ा ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से साजो सजावट के सामान में भी तेजी आई। इसमें पूजा सामग्री से लेकर घरों की सजावट के सामान हैं।
इन दिनों बिक्री में 50% तक की बढ़ोतरी नजर आई है। ज्यादा बिकने वाले सामानों में भगवान की पोशाक, माला, बंदरवाल और झालर के साथ ही झंडों की बिक्री ज्यादा हो रही है। टेलर ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतना जबरदस्त लोगों में उत्साह है और लोगों ने झंडों की जमकर खरीदारी की है। मार्केट में सजावट की धूम मची है। गली मोहल्ले ही नहीं बल्कि गांवों से भी लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि जो लोगों के अंदर जो हिंदुत्व के प्रति जो जागरूकता है, और मैं अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 22 तारीख का इतना जबरदस्त क्रेज है, 22 जनवरी का राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का। लोगों ने बहुत जम के झंडोई खरीदारी की है, जगह जगह फरिया सज गई है, खरीदारी करके इतना जबरदस्त क्रेज है। मंदिर, छोटे से छोटा मंदिर भी आज इस तरीके सजाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये विश्व के इतिहास के अंदर स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला है और स्वर्णिम इतिहास बनेगा, और इसका मैं पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को देता हूँ, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री साहब है। उन्होंने जो अलग जगाई है भारत के लोगों के अंदर, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में देश के साथ ही भीलवाड़ा शहर भी दीपावली मनाने जा रहा है। शहरवासियों से आह्वान किया गया है कि 22 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक अपने नजदीकी मंदिर में जाएं और दीपदान और सुंदरकांड के पाठ करें। उधर नगर परिषद ने भी विशेष अभियान चलाकर मंदिरों के आसपास में सफाई का काम और मंदिरों में लाइटें लगाने का काम के साथ ही शहर के चौराहों तिराहों पर भी सजावट की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर में मार्केट एसोसिएशन के साथ ही दुकानदार अपने स्तर पर भी बाजार सजा रहे हैं। सराफा मार्केट, आजाद चौक, माणिक्य नगर, मालिकखेड़ा, सिरकी मोहल्ला, संजय कॉलोनी, पांसल चौराया, सर्किल, सुभाष नगर, आरके कॉलोनी और आरसी व्यास, शास्त्री नगर में सजावट के चलते ये इलाके भगवामय नजर आने लगे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। आने वाली 22 जनवरी को समस्त भारत के लिए हर्षोल्लास है और पूरा भारत वर्ष सहित भीलवाड़ा शहर भी 500 वर्ष के बाद दीपावली के अलावा दीपावली मनाने जा रहा है और पूरा का पूरा शहर हर्षोल्लास है। हर कोई सनातन प्रेमी इस क्षण का इंतजार कर रहा है जब रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होकर रामलीला के दर्शन होंगे, और इस विषय में सभी शहर के वासियों की भागीदारी रहे। इसलिए सभी शहर वासियों से आह्वान किया गया है कि उस दिन 11 बजे से 2 बजे तक अपने समीपस्थ मंदिर में वहाँ पे रहे, वहाँ पे भगवान के कीर्तन, सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा या अन्य कोई धार्मिक आयोजन जो भी वो लोग कर सके वो करे। और इस हेतु नगर परिषद ने विशेष अभियान चलाकर उन मंदिरों के आसपास की सफाई का काम, उन मंदिरों पे लाइटें लगाने का काम, इसके अतिरिक्त जो हमने वहाँ पे जो बाजार है उन बाजारों में भी चौराहे को और इनकी सजावट का काम के हाथ में लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टेंट स्टेशन को कि उन्होंने भी लगभग कई चौराहे सजाए हैं। उनके अलावा जो चौराहे बच जाएंगे वो नगर परिषद भीलवाड़ा सजाएगी, और साथ ही हमने 22 तारीख का त्यौहार मनाने के लिए नगर परिषद परिवार की तरफ से 22 तारीख की छुट्टी की भी घोषणा की है, और एक भव्य कार्यक्रम के तहत वाराणसी के कलाकार पिछले 4 दिनों से नगर परिषद के टाउन हॉल के अंदर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। वो रामलीला का मंचन आगामी 5 दिनों तक और जारी रहेगा। तो मैं शहरवासियों से ये भी निवेदन करूंगा कि वो रामलीला का मंचन देखने के लिए आए। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक प्रण की जो हमारे सनातन धर्म के लिए गर्व का है क्षण है, सभी शहरवासियों को, समस्त देशवासियों के लिए बधाई देता हूँ। आसीन कस्बे में गुजर समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल सवाई भोज भगवान देवनारायण मंदिर के महंत सुरेश दास महाराज को अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, जिसके चलते शुभ मुहूर्त में महंत सुरेश दास मंदिर के दर्शन कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। वहीं इस मौके पर रूबरू होते हुए महाराज ने बताया कि आज मुझे इस पुनित घड़ी का इंतजार था। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो रहा है उसमें जाने का मौका मिला है। वही इस मौके पर भक्तों में अपार उत्साह है और रवाना होते समय शांतिलाल गुजर, फौजमल गुजर, कन्हैयालाल गुजर, रमेश गुजर, ब्रह्मलाल गुजर, कैलाश टेलर ने माला पहनाकर महंत सुरेश दास महाराज को रवाना किया। मंजूर शेख की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है गुजर समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल श्री सवाई भोज देव नारायण जी मंदिर में, जहाँ पर यहाँ के महंत सुरेश दास जी महाराज को 22 जनवरी को अयोध्या में
श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और इसी के चलते आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व के अंदर बहुत ही हर्षित हैं। ये बहुत खुशखबरी की बात है कि 500 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, जो कि भगवान अयोध्या में धाम में भगवान श्री राम का मंदिर बना भव्य, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। मुझे भी निमंत्रण मिला, मैं बहुत बहुत अपने इस जन्म में महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को इस कृतार्थ में हुआ, भगवान श्री राम की कृपा हुई कि इसने मुझे निमंत्रण मिला और मैं भी यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। आप सब राम भक्तों का भाव लेकर जा रहा हूँ और बहुत ही हर्ष का विषय है कि 22 तारीख को सभी राम भक्त अपने घर मंदिरों में दीप जलाकर इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं। राम मंदिर के लिए आंदोलन में शहीद हुए कार सेवक शहीद रतन लाल सेन के पुत्र महावीर सेन को अयोध्या से न्योता भेजा गया था, जिसके बाद शुक्रवार को अयोध्या के लिए खामोर से ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला, जगह जगह साफा पहनाकर पुष्प वर्षा की, रामधुनी और राम के भजनों पर नाचते झूमते ग्रामीणों ने हर्षोल्लास से कार सेवक शहीद रतनलाल सेन के पुत्र महावीर सेन और साथी जीवराज साहू को अयोध्या के लिए रवाना किया। महिलाओं ने लुगड़ी से रास्ता साफ किया, गांव में जगह जगह आरती उतारी गई, सभी मंदिरों पर अयोध्या जाने से पहले धोख लगाई गई, वहीं सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का माहौल भी दिखाई दिया। नीलगढ़ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भी शहीद रतन सेन के पुत्र महावीर सेन व साथी जीवराज साहू को साफा में माला पहनाकर स्वागत किया। किशन वैष्णव की रिपोर्ट। हमें बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि हम अयोध्या जा रहे हैं, हमें अयोध्या से न्योता प्राप्त हुआ। हमारे महावीर जी सेन के पिताजी शहीद श्री रतनलाल जी सेन सन 1991 में कार सेवा के रूप में शहीद हुए थे, जिनका फल आज हमें मिल रहा है। आज पूरे खामोर के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है कि हम अयोध्या जा रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हम वहाँ जाके दर्शन करेंगे और पूरे काम के लिए हम वहाँ पर मदद करेंगे। शहर की भीमगंज थाना पुलिस अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही संदिग्धों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार को सड़क पर उतरी। इस दौरान सड़क किनारे काबित अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी देते हुए कुछ अतिक्रमियों को बेदखल किया और संदिग्धों की धरपकड़ भी की। कार्यवाहक भीमगंज थाना प्रभारी कैलाश चंद्र खटीक ने बताया कि शुक्रवार को भीमगंज पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के बाहर सामने और मिलन टॉकीज के आसपास के क्षेत्रों के साथ ही नेहरू रोड और सांगनेरी गेट क्षेत्र में सड़क किनारों पर अतिक्रमण कर स्थापित कैबिनों व थड़ियों के साथ ही दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी, साथ ही कुछ कैबिनों को हटवा दिया गया। इसके अलावा भवानी नगर क्षेत्र और मिलन टॉकीज के पीछे के क्षेत्र में मिले संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की। फिलहाल पुलिस कार्रवाई जारी है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर वार्ड नंबर 41 में श्री श्याम महिला मंडल द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वार्ड नंबर 41 की पार्षदा आशा शर्मा के नेतृत्व में श्री श्याम महिला मंडल द्वारा निमंत्रण हेतु पीले चावल वितरित किए गए। आशा शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को कलश यात्रा भोलेनाथ बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर वार्ड में भ्रमण कर वापस मंदिर पहुंचेगी। शाम 5 बजे 56 भोग का दर्शन एवं शाम 6 बजे 751 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तत्पश्चात महाआरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। इससे पूर्व 21 जनवरी को शाम को भजन संध्या एवं कीर्तन किया जाएगा। कार्यक्रम के निमंत्रण हेतु आज घर घर जाकर पीले चावल वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद कैलाश शर्मा, राजेश कुदाल, नरेंद्र पाराशर, राजेंद्र पारिक, सुमित शर्मा, बालकृष्ण पाराशर, शिवराज जाट, लीला पाराशर, ज्योत्ना पाराशर, सरोज शर्मा, सरोज पारिक, मीना पाराशर, श्याम पाराशर, कला कुदाल, रजनी अणु, मीना डोली, सोनी, मयंक शर्मा, संतोष मीणा, भगवती पाराशर, सीता, रानू जोशी, चंदा शर्मा, सुशील शर्मा, ममता कोमल मीणा, पूनम पाराशर एवं सीमा पाराशर उपस्थित थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमारे वार्ड नंबर 41 में बहुत उत्सव है। हम घर जा जाकर पीले चावल देकर न्योता दिया है और 22 तारीख को 11:30 बजे कलश शोभा यात्रा है। इंतजार के बाद ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी वार्ड नंबर 41 से हैं। अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर हम सभी ये आयोजन कर रहे हैं। हमारी भव्य कलश यात्रा भोलेनाथ मंदिर से राम मंदिर शास्त्री नगर प्रस्थान करेगी और फिर वहाँ से वापस हम लोग
ढोल नगाड़ों के साथ भोलेनाथ मंदिर पहुंचेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। एक और जहां भिलवाड़ा पुलिस बजरी का अवैध दोहन रोकने के लिए दौड़ भाग कर रही है, वहीं दूसरी ओर चोर लुटेरे आमजन को निशाना बनाकर उनकी खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ करने से चही चूक रहे। ऐसे ही बेखौफ बदमाशों ने गोविंदपुरा गांव में एक चौकीदार के मकान पर धावा बोलते हुए बरामदे में सोई चौकीदार की पत्नी को बंधक बनाकर उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसके गहने लूट लिए और घर में रखी नकदी व जेवरात भी ले उड़े। वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविंदपुरा निवासी सूरजमल 57 वर्षीय पुत्र छीतरमल मीणा चौकीदारी करता है। रात में वह चौकीदारी करने चला गया। घर पर उसके बेटे बहू और पत्नी थे। उसकी पत्नी बीती रात बरामदे में सो रही थी। बेटे बहू उनके कमरों में सोए हुए थे। रात करीब 3:15 बजे 3 से 4 लुटेरे घर के बाहर पत्थर की कोट फांद कर अंदर घुसे। बदमाशों ने चौकीदार की पत्नी को बंधक बना लिया, मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसके साथ मारपीट की। इसके चलते वह अधमरी हो गई। मारपीट से उसे काफी गंभीर चोटें आई। ये बदमाश परिवादी की पत्नी के जेवर, 2 सोने के मांडलिये, 500 ग्राम चांदी के 2 पैरों के कड़े लूट लिए। इसके बाद बदमाशों ने 2 कमरों के ताले तोड़े और उसमें रखे 1 किलो चांदी के 2 जोड़ी पायजेब, 1 किलो की 2 करंगती, 5,000 रुपए नगद लूट लिए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश वहां से भाग छूटे। कुछ समय बाद ही चौकीदार की पत्नी जोर जोर से चिल्लाई, इस पर उसका बेटा कमरे से बाहर आया। वह लुटेरों को पकड़ने के लिए दौड़ा लेकिन तब तक वे भाग चुके थे। इसके बाद बिजोलिया पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल का जायजा और जानकारी लेते हुए बदमाशों की तलाश की, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। पुलिस ने चौकीदार की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना आमरण अनशन जारी है। लगातार अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। करीब 5,000 युवा बेरोजगार हो गए हैं लेकिन सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भारतीय नगर पालिका कर्मचारी संघ भिलवाड़ा ने फायरमैन को वापस ड्यूटी पर लेने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नारायण लाल बैरवा ने बताया कि नगर परिषद में पिछले 5 वर्षों से पटेल नगर में फायर स्टेशन पर फायरमैन के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें 18 जनवरी को बिना सूचना दिए कार्य से निकाल दिया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इसके साथ ही इनका पिछले 3 महीनों का भुगतान भी अभी बाकी है तथा नई पीएफ ईएसआई की कटौती की गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। साथ ही चेतावनी दी कि उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया गया और बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया तो भारतीय नगर पालिका कर्मचारी संघ इसका विरोध करते हुए आंदोलन करेगा तथा न्यायालय का सहारा लेगा। नायलाल बेरवा, मैं भिलवाड़ा में निवास करता हूँ और मैं भी 5 साल से फायर टेंडर में काम करता हूँ। 25 लड़कियों को बाहर निकाल दिया है, हम 10 लड़कों ने आवाज उठाई है, हमारा शोषण हो रहा है। 6,500 सैलरी दी जाती है और सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं। सैलरी के लिए मांग करते हैं तो निकालने की धमकी देते हैं। तो हमने सैलरी के लिए बोला तो हमारे को काम से निकाल दिया। हमें चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय मिले, हमारे को हमारा एसआईपीएफ कटे और हमारी सैलरी की नियमित करें। जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है ना,
वो मिलनी चाहिए, ये बहुत कम सैलरी में हमारे को रखा जा रहा है। आसीन तहसील के रूपपुरा गांव के ग्रामीणों के आशियानों की भूमि की गलत तरीके से जारी एमएल निरस्त कराने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया है कि खनिज विभाग के कर्मचारियों और राजस्व कर्मचारियों ने अपने चहितों को लाभ पहुंचाने की नीयत से ग्रामीणों के आशियानों की भूमि की गलत तरीके से एमएल जारी कर दी। ग्रामीणों ने एमएल को ग्रामवासियों के आशियाने की भूमि व आबादी भूमि से जितनी दूरी तक एमएल स्वीकृत नहीं हो सकती उस हद तक भूमि शमशान घाट की भूमि व चरागाह भूमि तक निरस्त कराई जाए। साथ ही शमशान के लिए आवंटित भूमि को भी बहाल करने की मांग जिला कलेक्टर से की गई। तो ये चाहे बिला नाम करके हमको यहाँ पट्टा पट्टा बनाना है, आबादी आबादी करनी है मदनपुरा गाँव में, और रूपरा गाँव मैंने खनिज को हटा करके नंबर को और हमारे गांव का पट्टा जारी कराना एक काम। और बागमाड़ी पुरानी बागमाड़ी का मैंने विद्यालय 10 साल से बंद है और छोटे छोटे बच्चा बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो जाएंगे कहाँ से, इसलिए मैं विद्यालय वापस चालू करनी। मैं शिक्षा विभाग में 10 बार चला गया, अभी तक मैं उसने काम कोई सुनाई नहीं की, ये एक काम है। चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति के अमन गौड़ ने बताया कि चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट बंगले के सामने स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। अध्यक्ष मुकेश नाहटा ने बताया कि महाराणा प्रताप के आगे ही वीर शिरोमणि लगता है, उनकी शौर्य गाथा पूरे विश्व प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन मेवाड़ की रक्षा व राष्ट्र के लिए समर्पित किया और उन्हें प्रतिज्ञा ली थी कि मेवाड़ की महिमा वापस नहीं लाता हूं तब तक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी की थालियों में नहीं खाऊंगा, पत्तल में खाऊंगा, अपने महलों को छोड़ जंगलों में रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन अपनी भूमि के गौरव को कभी कम नहीं होने दिया। ऐसे वीर शिरोमणि के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए वे देश राष्ट्र व हिंदुत्व के लिए समर्पित रहना चाहिए। कार्यक्रम अध्यक्ष मुकेश नाहटा, विजय वैष्णव, संतोष शर्मा, अमन गौड़, विपुल सिंह, अर्जुन जोशी, राहुल दीक्षित, अंकित वैष्णव, चुटकू गौड़, शुभम सोनी, अक्षय सैन, दिलीप धाकर, सुरेश गुजर आदि मौजूद रहे। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। ग्रामीणों के आशियानों की भूमि की गलत तरीके से जारी एमएल निरस्त कराने की मांग को लेकर रूपपुरा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सवाईभोज महन सुरेश दास अयोध्या के लिए हुए रवाना। शिक्षक संघ सियाराम का दल प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन के लिए कोटा हुआ रवाना। कार सेवक स्वर्गीय रतनलाल सेन के पुत्र महावीर सेन का शाहपुरा के ग्रामीणों के साथ मुस्लिम नीलगढ़ समाज के लोगों ने किया स्वागत। भगवा में वे रोशनी से जगमगाया सवाईपुर, 22 को कलश यात्रा वे कार सेवकों का होगा सम्मान। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।